हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या। मैं आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल सांझ किचन में करती हूँ। तो चलिए आज की नई रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चना दाल वड़ा। तो मैंने ये जो चने की दाल है ना, मैंने इसको अच्छे से 4 से 5 बार धो के ना ओवरनाइट सोक करके रख दिया था। ये देखिए कितने अच्छे से ना ये फूल गई है। देखिए इसको ओवरनाइट सोक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ओवरनाइट सोक नहीं कर सकते तो कम से कम गर्म पानी में इसको 5 से 6 घंटे के लिए सोक कर दीजिए। मैंने ये 4 से 5 हरी मिर्चें फाइन कट कर ली हैं और ये मैंने अदरक को भी चॉप कर लिया है। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, बनाते हैं चना दाल वड़ा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्ट्रेनर की हेल्प से ना इसका पानी बिल्कुल अलग कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब हम मिक्सी में के जार में इसको ट्रांसफ़र करेंगे और एक दरदरा पेस्ट बनाएंगे, एकदम फाइन नहीं दरदरा, जिसमें थोड़ी सी दाल हमारी साबुत रहेगी और थोड़ी पिस जाएगी। थोड़ा थोड़ा लेके हम एक दरदरा पेस्ट बनाएंगे इसका। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका एक दरदरा पेस्ट बना लिया, देखिए इस तरह का। ये देखिए इसका ऐसा। तो अब मैं इस जो बची हुई मेरी जो चना दाल है, मैं इसका भी इसी तरह से एक दरदरा पेस्ट बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने अपनी सारी दाल का एक ऐसे दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। अगर इसमें आपकी कुछ दाल साबुत भी रह जाए फ्रेंड्स, तो परेशान होने की नहीं है, ये इसी तरह का ही बनता है। तो चलिए अपना नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। जो दाल है मैंने वो पीस ली है। तो चलिए अब अपने कुछ और सामग्री जो इसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये जो मैंने हरी मिर्च काटे रखी थी ये डाल रही हूँ। ये जो अदरक है फ्रेंड्स, अदरक और हरी मिर्च का जो टेस्ट आता है ना, बहुत अच्छा आता है इस तरह की चीज़ों में। तो पेस्ट से ज़्यादा बेटर है कि उसको है ना ऐसे फाइन चॉप करके आप डालेंगे ना, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छे से इन सबको मिक्स कर दीजिए। अब इसमें हम नमक ऐड करते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा। और आप इन सब चीजों को मिक्स कर दीजिए। अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि सब चीजें एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। दोस्तों ये जो चना वड़ा है ना, ये देखने में बहुत अच्छा होता है, खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो आप एक बार घर पे बना के ट्राई जरूर कीजिएगा। अभी होली भी आ रही है, मेहमान भी आते हैं घर पे, तो आप इसको ज़रूर एक बार बना के ट्राई कीजिएगा। ये देखिए हमारा ये सब चीज़ें ना अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अगर आपको लगे कि आपका पेस्ट है ना थोड़ा सा पतला है, या चने की दाल पिस नहीं रही है, आपने पानी डाल के उसको पीसा है ना, मैंने तो बिना पानी के बिल्कुल ऐसे ही पीसा है, अगर आपको पानी डालने की नीड है तो आप डाल सकते हैं। और अगर लगे कि इस स्टेज पर आपको लगे कि मेरा जो पेस्ट है वो थोड़ा सा पतला हो गया है, तो आप इसमें बेसन ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। कि फ्रेंड्स, मैंने ना गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है हाई फ्लेम करके। तो हमें इनको हाई फ्लेम पर ही हॉट ऑयल में इनको तलना है। आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, बट शैलो फ्राई में ना ये अच्छे से सिकेगी नहीं, तो ये डीप फ्राई ही करना बेस्ट होगा। तो जब तक हमारा ये कुक ऑयल गर्म होता है, तो हम इनको एक बार और अच्छे से ना अपनी चना जो हमने ये सब मिक्सचर जो तैयार किया था, एक बार और मिक्स कर लेते हैं और इसकी टिक्कियां बना के तैयार कर लेते हैं जब तक हमारा ये ऑयल गर्म होता है। आप हाथ पे थोड़ा सा ऐसे ऑयल लगा लीजिएगा फ्रेंड्स, ऐसे हाथ पे ऐसे ऑयल लगा के, और इसकी एक छोटी सी ऐसे बॉल लेके और उसकी एक टिक्की के जैसी बना लीजिएगा ऐसे। ये आप ऐसे इनकी सब टिक्कियां प्रिपेयर कर लीजिए। देखिए आप ऐसे इसकी बॉल्स बनाइए और ऐसे दबा के टिक्की का शेप दे दीजिए इसको ऐसे। ऐसे एक टिक्की का शेप दे दीजिए और अपनी
सारे इस पेस्ट की इसी तरह से टिक्कियाँ बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा बैटर अपना डाल के देखा था, तो ये ऑयल जो है वो हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। तो हमने जो ये टिक्कियाँ अपनी बना के तैयार की थी, मैं ये इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आप डालते हैं ना, बिल्कुल मत छेड़िएगा। जब ये नीचे से अच्छे से सिक जाएंगे ना, तो वो खुद ऑयल में फ्लोट होने लगेंगे। तो आप डालते इनको छोड़ दीजिएगा, और ज़्यादा नहीं, तीन या चार ही करके आप इनको फ्राई कीजिए। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो ये अंदर तक है ना नहीं क्रिस्पी हो पाएंगी, कच्ची रह जाएंगी। तो तीन चार चार ही आप डाल के आप इनको फ्राई कीजिएगा। जब ये नीचे से पक जाएंगी तो ये खुद फ्लोट होने लगेंगे, तो उससे पहले आप करछी बिल्कुल मत लगाइएगा। और ये बहुत अच्छी बनती है, खाने में भी बहुत टेस्टी होती है, हेल्दी भी होती है, क्योंकि दाल है, चना दाल है, दालों में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये धीरे धीरे ना ये देखिए फ्लोट होने लगा है, ये नीचे से ना पक गई है, ये खुद ब खुद तेल में ऊपर फ्लोट होने लगेगी। तो उससे पहले आप कच्ची बिल्कुल मत लगाइएगा। फ्रेंड्स, इस बैटर में ना आप वेजिटेबल या प्याज या कॉर्न ये सब चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। मेरे घर पे इनको ऐसे ही खाया जाता है, बट अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अभी देखिए, आप इनको धीरे से पलट दीजिए और बिल्कुल एकदम डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक आप इसको अच्छे से फ्राई कीजिएगा, ताकि ये अंदर तक एकदम पक जाए और एकदम क्रिस्पी करारा हो जाए बिल्कुल। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा एकदम डार्क गोल्डन कलर आ गया है। तो बस इस स्टेज पर हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए, कहीं से भी कच्ची नहीं है, तो इस स्टेज पर आप इनको निकाल लीजिए। और जो बाकी हमारी वड़े हैं, हम उनको भी तल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम क्रिस्पी है, करारा है, कहीं से भी कच्ची नहीं है। तो चलिए, अब जितने भी हमारे वड़े हैं हम इनको भी तल के तैयार कर लें। मेरे सारे चना दाल वड़ा बनके तैयार हो गए हैं। तो चलिए, अब हम इसकी प्लेटिंग दो तरह से करेंगे। अब दोनों तरह से करनी कैसे है वो आपको मैं नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। तो चलिए प्लेटिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स, इसका एक तरीका तो ऐसे है कि आप इसको हरी चटनी और मीठी सौंठ के साथ में आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं दूसरा तरीका भी आपको बताती हूँ आप इसको कैसे सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपनी ये वाली ट्रे ले ली है, तो मैं इसमें सबसे नीचे पहले थोड़ी सी दही एंड फ्रेंड्स उसके ऊपर मैं ये अपने चना दाल वड़े रखूंगी। अब फ्रेंड्स, हम इस पे अपनी ग्रीन वाली सॉस डालेंगे। तो मैंने अपनी ये ग्रीन वाली धनिया पुदीने की जो रेड ग्रीन चटनी है मैंने वो डाली है। उसके बाद मैं मीठे वाली सौंठ डाल रही हूँ। अब इस पे हम अपनी दही डालेंगे। आप इस आपको इसके ऊपर ना ही आलू, चने या कोई भी नमकीन कुछ भी डालने की नीड नहीं है। ये आप ऐसे ही इसको सर्व करेंगे, ये ऐसे ही बहुत टेस्टी, देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और ये खाने में बहुत टेस्टी है। तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी अपनी हरी चटनी और ये रेड सॉल्ट डाल रही हूँ। तो बस
ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी दोनों चना दाल वड़ा की जो प्लेटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। मैंने इस वाली प्लेट में किया है कि मैंने इसको दही के साथ में, इसको जैसे हम टिक्की को सर्व करते हैं मैंने ऐसे सर्व किया है, और दूसरे वाली प्लेटिंग में मैंने सिंपल जैसे हम किसी पकौड़ी को या किसी चाट को हम सर्व करते हैं ऐसे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।